गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सिटीजन्स। आज बहुत लंबे समय से जो चैनल प्रयासरत है, ईमानदार करदाता बनो, कर लेने वालों को हम मांग कर रहे हैं ईमानदार सेवादाता बनो। ये विश्व बिरादरी को बताया जा रहा है, शासन जनता से कर लेता है, टैक्सेस की उगाही करता है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीपल और पब्लिक, और बदले में एंड इन रिटर्न ही प्रोवाइड सर्विस। गवर्नमेंट को जनता को सेवाएं देनी होती हैं। सरकारें हमेशा कहती हैं, अधूरी बोलती हैं कि आप अच्छे और ईमानदार करदाता बने, राष्ट्रीय विकास में योगदान दें, परंतु साथ साथ मैं उनको भी कहता हूँ कि वो भी एक बात साथ और जोड़ें, हम आपको करों के बदले उचित सेवा भी देंगे। करों की दर भारत में सबसे ऊंची मानी जाती है, हाईएस्ट टैक्सेस जो स्टाम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज और दूसरे टैक्स कलेक्शन की जो रेट है, वो कंपेरेटिवली, मैंने पहले कहा था जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो मैं तुलनात्मक अध्ययन बोला जाएगा उसके, कि हमारे जैसे देश, हमें लीबिया और सूडान को नहीं पढ़ना है, पोलैंड और इजराइल को पढ़ना, स्विट्जरलैंड को पढ़ना, स्वीडन को पढ़ना, डेनमार्क को पढ़ना, कि वहाँ क्या है करों की दर। सेवा के बदले सबसे पहले मैं न्याय की बात कहूँ, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, ये शासन को पढ़ना होगा। जवाब देना होगा जनता को, और जवाब तब देंगे जब जनता जागरूक होगी। चैनल आपको राजनीतिक शिक्षा दे रहा है, कहते सफल लोकतंत्र के लिए और राष्ट्रीय विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए लोगों का राजनीतिक रूप से शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पेशे चिकित्सक था, उनको अपने क्षेत्रीय सांसद के बारे में पता नहीं था किस दल से संबंधित थे कौन। उसने कहा मैं इस तरह बातें ज़्यादा नहीं पढ़ता। लोकतंत्र में जरूरी है कि आप एक जागरूक नागरिक बने, राजनीतिक दलों की नीतियों समझें और अनिवार्य रूप से मतदान भी करें। इन बातों को सुनिश्चित करें जिससे व्यवस्था सुंदर होगी। और मैंने भी कहा कि करों की उगाही जितनी तेज है उस गति से उतनी सुंदर सेवा देने का प्रयास भी किया जाए। सबसे पहले मैं न्याय क्षेत्र की बात करूंगा और पुलिस प्रणाली की बात करूंगा। पुलिस के आधुनिकरण की बात तो की जाती है, परंतु साथ साथ अपराधियों के दमन की बात भी की जाए, दोषियों के दंड की बात भी की जाए। सबसे पहले मैं आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो चैनल पर आए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, और भारतीय लोगों में न्याय के प्रति आस्था जगाने का काम करें। क्या न्याय किया जाता है, दोषियों को दंड दिया जाता है, त्वरित दंड दिया जाता है, कठोर दंड दिया जाता है। जब शासन से पूछा जाता है कि चाहे न्याय मंत्री हो, कानून मंत्री हो, भैया मामले बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कई बार तो दोषी मर तक जाते हैं, लंबी श्रृंखला है, चार पायदान हैं आपराधिक मुकदमों क्रिमिनल केसेस को फेस करने की, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अपराधी को सलाखों पीछे जाने में बहुत वक्त लग जाता है और उसको वहाँ पहुँचाना बड़ा जटिल काम हो जाता है। न्यायाधीशों की संख्या पर रोना रोया जाता है,
पद रिक्त नहीं है। मैंने पहले कहा था जॉब राइट को बहुत बड़ा संगीत नहीं है। भारत में शायद विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोक उपाधि धारक हैं, LLB होल्डर पर्संस की सबसे बड़ी अगर अवेलेबिलिटी किसी देश में है तो इंडिया में। मैं चीन और अमेरिका और कोरिया इनसे भी ज़्यादा है, और जापान शिक्षाएं बताती तो यही बात पूरी हो जाती है। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के पास हमारे इस मुकाबले उपाधियों की संख्या बहुत छोटी है उनके पास। जिस देश में इतने वकील वहाँ न्यायाधीशों का अभाव किस कारण से है? सरकार और कॉलेजों में उलझता रहता है, मेरों को लगाओ मेरों को लगाओ, ये उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ सबको लगाओ, जितने पद उनको भरा जाए तेजी के साथ, और जजों को एक राजा न बनाया जाए। जहाज देने की जरूरत नहीं है जज को। पहले हमारे पंचायतों में बड़े बड़े जज जो है ना मुफ्त अपने घर से दही रोटी खाकर आते थे, बड़े बड़े फैसले सुना देते थे, अब भी सुनाते हैं। जज का मतलब विवाद को समाप्त कर देना है। मैंने 28,000 जॉब राइट की बात की, मैंने ये भी कहा कि जो घर से समृद्ध है, ईमानदार हैं और देश की न्याय व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं, उन जजों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए 28,000 रुपये मासिक वेतन पर, सामान्य सुविधाएं के साथ जीने को तैयार हैं, 3-बेडरूम की लाइफ जीने को तैयार हैं, यानी एक सामान्य आवास जो मैं कहना चाहता हूँ, और सामान्य सुख। कुछ LLB धारकों ने कहा कि जो अंदर बैठे इनसे हम कम नहीं, हम ज़्यादा योग्य बैठे हैं बाहर, इनकी नीयत नहीं है नियुक्त करने की, और हताशा से मैं भर गया। ये कहना नीयत नहीं है नियुक्त करने की, कई बार 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 रोना रोया जाता है कि महिला जजों की संख्या कम है। क्यों कम? हमारे LLB तो लड़कियों बहुत कर रखी है। अब लगाने काम था तो रोने की बात कहाँ से आ गई? तुम सिर्फ अगर सहेली की बेटी को लगाने का प्रयास करें तो वो हम क्या करें उसमें? हमारी बेटियां जो भारत माता की बेटियां, एक से एक उपाधि धारक LLB धारक भीड़ इन बेटियों के जज बनने के लिए। मौका कौन नहीं दे रहा? शासन नहीं दे रहा। शासन की सोच है, मैंने स्वयं देखा है, महिला महाविद्यालय में अध्यापन के लिए प्रार्थी, महिला प्रार्थी के उच्चतम और एक्सीलेंट रिकॉर्ड के बावजूद दुष्ट नियुक्ति नहीं दे रहा। हजारी बालिकाओं को पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई से वंचित रख दिया। कहा मेरी मर्जी, मुझे अधिकार देती है व्यवस्था कि मैं नियुक्त करूं या न करूं। घोर अंधेर गर्दी और अराजकता की व्यवस्था न हो, इससे लोगों में शासन के प्रति नफरत फैलती है। राष्ट्रवाद की बात करने वालों, न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए सामने आओ, हमारे साथ आओ। कौन है तुम्हारा प्रवक्ता हमारे सामने काउंटर डिबेट के लिए? ये हम तैयार खड़े हैं। कॉरपोरेट पार्टियां नहीं चाहती न्याय व्यवस्था मजबूत हो। कॉरपोरेट समर्थित पार्टियां नहीं चाहती जॉब राइट लगे। कॉरपोरेट समर्थन से चलने वाली पार्टियां नहीं चाहती कि लोगों का शोषण रुके। जनता को जागरूक होना होगा, राजनीतिक रूप से शिक्षित होना होगा, और मैं सबसे पहले वकील साथियों से कहूँगा, लॉयर्स एंड एडवोकेट्स, प्लीज इतना बड़ा टैक्स की दर वाला देश, और आपको ये भी देखने का मौका मिलेगा गूंगे बहरे बदमाशों छटनी भी करनी है इस बहाने, बाद में पता लगेगा गिदड़ शेर की वर्दी पहने फिर रहा था बदमाश और नकली, न्याय प्रणाली का दुश्मन था जो कितनी शालीनता से भाषण दे रहा था। हमें वो बात नहीं, मैंने पहले कहा था चैनल भारतीय समाज का चैनल है, विश्व समुदाय का चैनल बनेगा, परंतु सबसे पहले हम बनेंगे रोल मॉडल, बाद में लेकर जाएंगे लोगों को, विदेशों को और दूसरे समुदायों की रक्षा करने, पहले हम अपनी तो कर लें। तो सबसे बड़ी लोग एजुकेशन वाला देश, न्याय के लिए नए तरसे, और
लोगों का हौसला अफजाई होगा। मैंने जॉब राइट की बात बार बार की, कल कर्नाड संगमा जो मेघालय का मुख्यमंत्री है वो कह रहा था हमारे यहाँ बेरोजगारी की वजह से उग्रवाद है। मुझे बड़ी शर्म और हँसी आई, यार तू मुख्यमंत्री है तो कोई विचारक नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है कि ये होना चाहिए। भैया बेरोजगारी खत्म कर दे, जॉबलेसनेस क्यों है आपकी स्टेट में? संसाधन ज़्यादा है, छोटी सी आबादी है और शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र है जो हमारे संविधान ने बहुत उनको रोजगार के लिए शक्तियाँ दे रखी हैं, संसाधन दे रखे हैं, सुविधाएँ दे रखी हैं। मैं कहूँगा हमारा संविधान बड़ा सुंदर है, शासक अपनी सोच को सुंदर बनाए, सिर्फ अपनी सहेली को जलेबी नहीं भारत माता के सभी बेटा और बेटी को जलेबी खिलाए। मैं विशेष रूप से कहूँगा उनको, चारों तरफ नज़रें फैला कर देखने पर शर्म से सिर झुक जाता है, न्याय के प्रति विश्वास और न्याय के प्रति आस्था और न्याय को सुनिश्चित किया जाए और इतनी हैवी ड्यूटी और टैक्सेस के कलेक्शन वाला व्यक्ति उसके बावजूद अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो, नागरिक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाएं, अच्छा नहीं लगता। प्रधान न्यायाधीश महोदय और केंद्र राज्य के कानून मंत्री और बार काउंसिल से कहूँगा इन लोगों से आपको लेना पड़ेगा। शिक्षकों विद्यार्थियों और भारतीय शिक्षित समुदाय से कहूँगा आप चैनल बनाएं, चैनल को मेरा न माने, मैं अपना स्थान छोड़ दूँ, आप मेरे से योग्य व्यक्ति अगर आगे इसको संभालने के लिए तैयार है तो मैंने पहले कह दिया, मैं जब भी किसी संगठन को खड़ा करता हूँ हमेशा कहता हूँ कि मेरा इसमें निजी कोई लाभ नहीं है। अगर किसी को इसमें शक है तो मैं इतना दूर चला जाऊँगा और कभी लौट कर इस चैनल पर फिर कभी नहीं आऊँगा। धन्यवाद।